अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं वेलकम करती हूँ। आज हम जो सितंबर 23 करते हैं उर्दू दौरे कुरान, मैंने पहले भी बताया था हम शॉर्ट समरी कर रहे हैं, हर आयत नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट समरी करके इंशाल्लाह आज हम करते हैं जुज 23। नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब इशरहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। और हम कंटिन्यू करते हैं सूरह यासीन से, और ये सूरह यासीन के बाद हम देखेंगे सूरह साफ़ात और सूरह ज़ुमर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फ़ातरनी व इलैही तुर्जऊन, और मेरे पास क्या उज़र है कि मैं उसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर ऐसों को माबूद बना कि अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा ना दे सकती और ना ही वो मुझे छुड़ा सकती। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं अगर कोई शिर्क करेंगे तो वो जो अगर चाहे वो मूर्तियाँ हों या पत्थर की हो या लोहे की हो या कोई इंसान हो जो मर चुका है, ये लोग कोई काम आने वाले नहीं। जो अल्लाह ताला है हय्यूम क़य्यूम है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ही आपको मदद करने वाला है। अगर मैं ऐसी करूँ तो तब तो मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ उससे, तो तुम मेरी बात सुनो। तो अल्लाह पे ईमान लाए तो यहाँ पर क्लियरली बात कर रहे थे, ये बात सुनो। हुक्म होगा कि बहिश्त में जो दाखिल होंगे वो बोले काश मैं कौम को मालूम हो जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुआज लोगों में शामिल फरमा दिया। यहाँ पर आपको याद है जब पारा एंड हो रहा था 22 का, वहाँ पर एक रजुल मोमिन आया और वो सही बात बता दिया कि पैगंबरों की बात सही है। तो वो अब उसको उसकी जो है ना इतनी मुखालफत करें लोग और उसको मर्डर कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, मार दिया उसको। और वो अल्लाह ताला क्या करे, बीमा गफ़रली रब्बी वजाली मिनल मुकरमीन, वो अल्लाह ताला गफ़रली माफ़ भी कर दिए और उनको किसके साथ मिला दिए, मुकरमीन जो ऑनर्ड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग जो थे मुअज़्ज़ज़, उनमें मिला दिए। वमा अनज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन, और फिर भी देखिए ये इंसान को इतनी फिक्र है, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमाया, और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे, वो तो सिर्फ एक चिंगार थी और वो उस ना मतलब उससे क्या हुआ, एक अजाब आ गया। और यहाँ पर ये इंसान जन्नत में भी आके वो लोगों की फिक्र है, तो एक जो खैरखा मोमिन रहता ना वो हमेशा लोगों की फिक्र करता, अगर लोगों में गलत भी है कोई ख़राब बात भी है तो वो इंसान से नफरत मत करो, जो ख़राब चीज़ है उससे नफरत करो और कोशिश करो कि दूर करने की, और अल्लाह से दुआ भी करो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितने लोगों को हलाक कर डाला कि उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला दूसरे कौमों को तबाह कर दिए। और आयत नंबर 37 में देखिए, वह आयत लहुम लैलु नसलखु मिन्हा नहारा, कैसा दिन और रात में तब्दीली आती, कैसे चेंजेस होता, और मतलब टाइम की चेंज जो बता रहे हैं, अंधेरा और उजाले में कैसा चेंज होता। वह शम्स तजरी, और फिर चांद और सूरज किस तरह तब्दील होते और कैसा चेंज होता। वल्कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और फिर चांद के जो मंजिलें रहते ना, आप देखिए कभी छोटा कभी बड़ा, कभी फुल मून कभी हाफ मून, उसकी बात हो रही। लश्शम्स यंबगी लहा, और ना तो सूरज की चांद तक पहुंच सकता है कि उसकी जा पकड़े, और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और हर एक दायरे में तैर रहा है। मतलब ये फलकुल की फलकिन यजदहून, ये गैलेक्सी की बात हो रही, ऑर्बिट की बात हो रही, हम जो ज्योग्राफी में सोशल स्टडीज़ में पढ़ते, ये कुरान में 1400 साल पहले ही यहाँ पर बता दिया गया है। और वह आयतुल्लहम अना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़ी फ़ुल्की, और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और उनके लिए हमने ऐसे ही चीज़ों और पैदे की
जिस पर वो सवार होते हैं, मतलब कैसे हम जो है ना दूसरे एनिमल्स पे भी हम सवार होते, और अगर हमने चाहे तो उनको गर्क कर देते, तो फिर ना उनकी फरियाद सुनेगा ना ही बचेंगे। अल्लाह चाहे तो गर्क कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करे। ये तो एक चिंगार का इंतजार कर रहे थे जो उनकी इस हाल में आ पकड़ेगी जब वो आपस में लड़ रहे होंगे, आयत नंबर 49 में। और फिर ना तो वसीयत करने का मौका होगा और ना अपने घरों में वापस जा सकेंगे, मतलब कोई मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि आप जा भी नहीं सकेंगे और फौरन अचानक अल्लाह ताला पकड़ लेंगे। और अब आयत नंबर 61 में देखिए, और ये एक मेरी इबादत किया करना यही सीधा रास्ता है, तो वानी अबूदूनी हाजा सिरातुल मुस्तकीम, तो अल्लाह का रास्ता सीधा इसी पे हमको चलना है। 66 में देखिए, अगर हम चाहे तो उनकी आंखों को मिटा दे तो फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ने तो कहाँ से देखेंगे, मतलब अगर आंखों से बिनाई अल्लाह ताला ले ले पानी युबसिरून तो वो कहाँ से देखेंगे। और आयत नंबर 75 में देखिए, वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके हक में एक फरीक बनकर हाजिर किए जाएंगे, तो उनकी बातें आपको गमनाक ना कर दे। जो कुछ जाहिर करते हैं और जो कुछ छुपाते हैं हमको सब मालूम है। अब यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 75 में तसल्ली दी जा रही कि उन लोग जो भी बात कर रहे हैं आप परेशान नहीं हो। एक दीन के दाई के लिए ना ये बातें सुनना पड़ता, सुन के भी जो है ना आप दिल बड़ा करना, और अल्लाह के लिए हम ये कर रहे हैं, कोई इंसानों के लिए। आप फरमा दीजिए उनको वही जिंदा करता है जिसने उनको पहली बार पैदा किया और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। आयत नंबर 79 में, तो अल्लाह ताला ही है सब चीज़ पैदा करने वाला, और मर के अल्लाह के पास ही वापस जाना है। और क्या जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है वो इस बात पर काबिल नहीं कि उन जैसे को पैदा कर दे, क्योंकि नहीं और वो बड़ा पैदा करने वाला और बड़ा जानने वाला है। आयत नंबर 81 में देखिए, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो पहले बार भी पैदा किए तो बाद में भी करने वाले हैं। आयत नंबर 83 में, तो वो पाक जात है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है, और उसी के तरफ हम सबको लौट कर जाना है। सुभान अल्लज़ी बियदिहिल मलकूत कुल्लु शयइन व इलैहि तुरजऊन, बहुत ही प्यारी आयत है। तो तस्बीह कीजिए अल्लाह ताला की, और मलकूत अल्लाह ताला की मिल्कियत है और हम सबको अल्लाह के पास लौट के जाना है। सूरतुल साफ़ात, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب। कसम है उन फरिश्तों की जो कतर दर कतर करते हैं, खड़े होते हैं, मतलब कतर दर कतर मतलब लाइंस में, कैसे लाइंस में वो ठहरे हुए थे एकदम ऑर्गेनाइज। फिर कसम है उन फरिश्तों की जो बंदिश करने वाले हैं, यहाँ पर मतलब किस तरह हिफाजत करते हैं। यहाँ पर जो बात करें कि किस तरह उन लोग लाइंस में ठहरे हुए, तो इससे आप देखिए कि जब हम नमाज के लिए ठहरते तो सीधी सब बनाना है, बीच में हम किसी के लिए वो नहीं रखना है, शैतान आ जाता बीच में, और सब बनाना हमारा ये दीन का हिस्सा है। तो आप ऐसा दिल की तंगी मत लाइए, अगर कोई आपकी सब सही कर रहे हैं तो उनको वो इजाज़त दीजिए। फिर कसम है उन फरिश्तों की जो जिक्र की तिलावत में मसरूफ रहते हैं, तो हम भी जिक्र करा करें कि तुम्हारे माबूद सिर्फ एक है, आसमानों और ज़मीन और जो चीज़ें उसमें हैं सबका मालिक है, और सूरज को तुलू होने का मुकामात का भी मालिक है, किस तरह सूरज निकलता है, रब्बुल मशरिकी वल मगारिब। बिला शुबा हमने दुनिया के आसमान को जीनत बख्शी है अजीब किस्म की, यानी सितारों से। सितारे क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला उसको जीनत दिए और उससे हम रास्ता भी देखें, ना कि हम फाल निकाले, ना हम उससे जादू टोने करें, ना हम उसका जो है ना अच्छा वीकली हम ये पढ़ें कि ये होने वाला, ये सब गलत बातें। बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और ये मजाक बनाते हैं, और जब उनको नसीहत करते हैं तो ये नसीहत नहीं मानते, क्योंकि ये नसीहत को पकड़ना नहीं चाहते ना, ये मजाक उड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हम आयत नंबर 50 में देखते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक कर सवाल और जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि ये एक हमनशीन था,
जो कहता था कि क्या तुम भी ऐसी बातों की बावर करने वाले हो कि जब हम मर जाएं और मिट्टी और हड्डियां हो जाएं तो क्या तुम को जजा और सजा मिलेगी। वो कहेगा कि क्या तुम उसको झांक कर देखना चाहते हो। तो वो झांकेगा, आयत नंबर 50 ऑनवर्ड्स है ये, तो उसको वास्ते दोजख में दिखलाएंगे, कहेंगे अल्लाह की कसम तू तो मुझे हलाक ही कर चुका होता, और अगर मेरा रब की मेहरबानी ना होती मैं उन्हीं में हो जाता, अजाब में हाजिर किया जाता। मतलब एक आदमी दूसरों को मिसगाइड कर रहा था लेकिन बोल रहे कि अच्छा हुआ कि मैं बच गया। क्या ये बात नहीं है कि हम आइंदा कभी मरने के नहीं, मगर जो पहली बार मरना था सो वो तो मर चुके, और हमने तो अजाब भी नहीं होगा। बिलासुबह ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे ही नेमतें के लिए तो अमल करने वालों के लिए अमल करना चाहिए। मतलब अब जब आप जन्नत में चल जाएंगे उनके लिए तो हैप्पी एंडिंग है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, लेकिन किसके लिए फलया अमला आमिलून, तो अमल करना है, ये अमल करने की जगह है यहाँ पर। जो लोग अमल नहीं करेंगे उनके लिए नहीं है, और फिर ऐसे ही नेमतों के लिए तो अमल करना है वालों को अमल करना। क्या ये मेहमानी अच्छी है, ये थोड़ के दरख्त का, मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत ही एक जो शजरे जख्म की बात कर रहे हैं, बहुत ही कड़वा, और बोलते एक ड्रॉप भी अगर जख्म का ये दुनिया में गिरता ना पूरा कड़वा हो जाता। जख्म इतना तकलीफ दे और इतना कड़वा है, और हमने उसको जालिमों के लिए अजाब बना रखा है, ये जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी असलील जहीम, वो एक दरख्त है जो दोजख के सबसे नीचे हिस्से में उगता है, उसके खोशे शैतानों के सर जैसे, उसके खोशे कैसे होंगे, रुसा शैतान, सो दोजख उसी में से खाएंगे और उसी अपने पेट भरेंगे, मतलब वो जो दरख्त है उसी में से उनको खाना पड़ेगा। फिर खोलता हुआ पानी उनके मिला कर दिया जाएगा, मतलब उनके पर सुम्मा इन्ना लहुम अलैहिम लशाउबन मिनल हमीम, बॉइलिंग वाटर उनके पर डाल दें, फिर उनको दोजख की तरफ लौटाया जाएगा, उन्होंने अपने बाप दादा का गुमराह में पड़े थे। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना हम बाप दादा का दिन फॉलो करते, तो उनके लिए बहुत देखिए इबरतनाक चीज़ है। 67 से 69, जो अल्लाह ताला हमको हुक्म बनाए बताए वो हम करना है, वरना अगर हम बाप दादा का दिन फॉलो करेंगे तो ये अजाब होगा। अल्लाहुम्मा अजीबनी मिनन्नार, अजाब से पना मांगिए, दोजख से पना मांगिए। फिर ये भी उन्होंने पीछे दौड़ते चलते हैं, और उनसे बेशतर बहुत से लोग भी गुमराह होते हैं, मतलब खुद भी गुमराह और दूसरे लोगों। फिर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा था, और नूह अलैहिस्सलाम ने हमको पुकारा तो देख लो हम दुआ को कबूल करने वाले हैं, कैसा अच्छा है। अल्लाह ताला बताए मैं दुआ कबूल करने वाला हूँ, नादा नूहन, नूह अलैहिस्सलाम दुआ के लिए पुकारे थे 75 आयत में, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और हमने उनकी औलाद को भी बागी रहने दिया। मतलब उनके औलाद नहीं मान रहे थे तो वो भी गर्क हो गया, वो पानी में डूब गया, और दुनिया जहां वालों में नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बिला शुबा वो हमारे मोमिन बंदों में से है। लेकिन जो है ना उनका बेटा गर्क हो गया, वो समझता कि मैं पानी आ रहा लेकिन मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा बच जाऊँगा, लेकिन नहीं। और अल्लाह ताला उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली में से नहीं है, क्योंकि ये ईमान नहीं लाया, तो ईमान वाले ही आपकी फैमिली में से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ एक नज़र डाली, आयत नंबर 88 से देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार हूँ, तो फिर वो उनसे पीठ पर चले जाए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगे तुम खाते क्यों नहीं, आप वो कह रहे हैं माबूदों से ना वो जो बुता हैं, तुमको क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको हाथ से क्या करे पूरे बुतों को ख़त्म कर दिए, मतलब गिरा दिए सारे बुतों को। फिर तो उन लोगों के पास दौड़ते हुए आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसे चीज़ों को पूछते हो जिनके तुम खुद तरसते हो, मतलब तुम जानते हो कि ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे लोगों की पूजा करते हो, हालांकि तुमको और इन चीज़ों को जो तुमने बनाया है सबको अल्लाह के सिवाय ये लोग तो कुछ भी मदद नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आतिश, मतलब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे ये बातें बताए और ये सारे बुत तोड़ दिए।
और उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चली चाही तो हमने उनको जेरे कर दिया। तो अल्लाह ताला क्या करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट करे, बचा लिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब के पास जाता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मतलब अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जो दीन का पैगाम पहुँचाना था पहुँचा दिए, उसके बाद वो अलग हो गए। तो हमारे वालदैन पे भी अगर वो दीन पे नहीं है तो आप पैगाम पहुँचा दीजिए, आपकी हुज्जत तमाम हो गई। और फिर हम आगे देखते हैं आयत नंबर 124 में, जब उन्होंने अपनी कौम को से कहा तुम अल्लाह से डरते नहीं, क्या तुम बला बाल को पूछते हो और जब से बेहतर बनाने वाला है और छोड़ बैठे हो। मतलब ये बाल करके एक उनका एक आइडल था जिसकी इनकी पूजा करते थे। तो यह सीरीज ऑफ जो है ना जो इन लोग गलत काम करते, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह से इन लोग शिर्क में मुलव्वस थे। फिर आयत नंबर 150 में देखिए, क्या हमने सिर्फ फरिश्तों को औरतें बनाई हैं और वो देख रहे थे, खबरदार वो अपनी सुकून तराशी से कहते हैं। ये जो है ना इन लोग जो बातें कर रहे थे ना, तो वो ईमान ले आए तो हमने उनको मुद्दत तक नफ़ा पहुंचाया। तो आप उनसे पूछिए क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां और उनके लिए बेटे। तो देखिए अल्लाह ताला के ये बेटे या बेटियां नहीं है, लेकिन ये बात बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम अपने लिए तो चाहते कि बेटे हो, फिर अल्लाह ताला के लिए क्यों कह रहे हैं कि फरिश्ते उनके बेटियां हैं। तो ये बात है, ऐसी नौजबिल्ला ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह के लिए कोई शरीक है। और हमारा लश्कर ही गालिब रहता है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 173 में। तो एक वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ख्याल ना कीजिए और उनको देखते रहिए, वो भी जल्द ही देख लेंगे। मतलब बोल रहे थे अब आप इनके साथ कुछ भी मत करो, आप देखो अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। क्या वो हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं कि जब वो अजाब उनके पास आ जाएगा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और एक वक्त तक आप उनका मतलब आप उनको टाइम दे दो और फिर देख रहिए, वो जो भी जल्द देख लेंगे। आपका रब जो बड़ी इज्जत वाला है, पाक है, उसी से ये जो बताते हैं। तो यहाँ पर सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए ही है और सिर्फ अल्लाह ही पाक है और वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का मालिक है। सूरत स्वाद, ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق। سعاد قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والی ہے کہ تم حق پر ہو، لیکن کافر لوگ غرور اور مخالفت میں ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سے امتوں کو ہلاک کر دیا، وہ فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے उनके पास एक डराने वाला और काफिरों ने कहा ये तो जादूगर है, झूठा है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? रसूल के बारे में कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मतलब वो चाहते थे कि कोई रसूल जो है ना उनसे हटके हो, कोई एंजल हो, कोई फरिश्ता हो या उनके पास बहुत सारा माल हो। तो ये यकीन ही नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल इंसान कैसा इनका रसूल है। और आगे हम देखते हैं आयत नंबर 11 में, यहाँ शिकस्त कही हुई है, लोगों में से किसी गिरोह का लश्कर है, उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद की कौम और लेखों वाले फिरौन की कौम झुटला चुके हैं, और समूद और कौम में लूद और ऐका के रहने वालों को वो यही गिरोहों में, मतलब किस तरह ये सारे कौमों को तबाह करे, अल्लाह ताला बता रहे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कहते हैं आप उस पर सब्र करिए। आयत नंबर 17 में देखिए, तो हम भी जो है ना इस फिर अलामा यकूलुना, अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो सब्र करिए। बस कुरु अबदना दाऊद, और फिर यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम की बात होती और किस तरह वो कुव्वत वाले थे, बिला शुबा वो बहुत रुजू होने वाले। मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम में इतनी ज़्यादा अच्छी सिफात थी, अयदना इन्ना हो अव्वाब, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। और क्या था, इन्ना सख़रना الجبال معه يسبحون بالعشي والإشراق, सुबह और शाम तस्बीह करते। देखिए बार बार तस्बीह की बात आ रही है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वतहरल, और फिर जो है ना परिंदे तस्बीह कर रहे हैं।
और ये सब रुजू करने वाले हैं, तो हम भी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की और खूबी ये है कि ऑल्टरनेट डेज ये रोज़ा भी रखते थे, और ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बंदे थे। और जब वो दाऊद के पास अंदर दाखिल हुए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, आप डरिए नहीं, हम दोनों का एक ही मुकदमा है। मतलब ये लोग ना, दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे यहाँ पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, कुछ बकरियों का मामला था, उसको वो क्लियर करने के लिए आए थे आपके पास यहाँ पर। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक वो तुम पर जुल्म करता है जो तेरी दुम्बी मांगता है एक अपनी। तो ये इन लोगों का दुम्बा मतलब बकरियाँ थे, दोनों की पार्टीज के बारे में आप जो है ना फैसला कर रहे थे एक कि किसके दुम्बे ज़्यादा है। तो अब आयत नंबर 26 में देखिए, ऐ दाऊद हमने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। अब यहाँ क्या हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फैसला सही नहीं हुआ था, और ख्वाहिशों की पैरवी ना किया करे और वो तुमको अल्लाह की राह से गुमराह कर देगा। तो बोल रहे कि अपने ख्वाहिश नफ्स पे मत चलो वरना गुमराह हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेलिब्रेटली या जानते बुझ दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं करे, लेकिन वो जो अपरेंटली सामने से जो बात करे थे उस लिहाज से वो फैसला करे थे। और फिर हम आगे हम देखते कि आयत नंबर 87 में ये कुरान तो दुनिया वालों के लिए बेशक एक नसीहत है और कुछ ही अर्से बाद तुमको इसका हाल मालूम हो जाएगा। इन्ना हुआ इल्ला जिक्रुन लिल आलमीन, जिक्र लिल आलमीन क्या है, कुरान सबके लिए है। सूरतुल जुमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मक्की सूरत है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़ुल हकीम, ये किताब कुरान अल्लाह की जानिब से उतारी हुई है जो गालिब और हिकमत वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल की है, तो आप खालिस इत्तेहाद करके अल्लाह की इबादत करें। मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, मुखलिसना लहुद्दीन, एक्सक्लूसिवली सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत, उसके साथ कोई शिर्क नहीं करना है। और उसने तुमको एक आदमी से पैदा किया, फिर उसने उसके जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए चार पायों के आठ जोड़े बनाए, और वो तुमको पैदा करता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर कोई ना जोड़ों में, सिर्फ अल्लाह, देखिए कुल हुवल्लाहु अल्लाह हुआ, अल्लाह एक है, जानवर भी जोड़े में है, और किस तरह पैदा करे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का सलाम से। और जब आदमी को तकलीफ पहुँचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। आयत नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, वइज़ा मस्सल इंसाना दुर्रु दअ रब्बिहि मुनीबन इलैहा सुम्मा इज़ा क़व्वलहु नियमतन मिन्हु, और जब फिर जब अल्लाह उसकी अपनी तरफ से रहमत से नवाजते हैं तो जिसके लिए वो पुकारता है उसको भूल जाता है। मतलब जब अल्लाह, जब हार्डशिप आई, प्रॉब्लम आए, अल्लाह को पुकारा, उसके बाद अल्लाह को भूल गया और अल्लाह के साथ शरीक बनाता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह कर दे। आप कह दीजिए, ऐ काफिर अपने कुफर से थोड़े फ़ायदा और उठा लो, दोजख तुम्हारे लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि जब अल्लाह ताला हर चीज़ जब तकलीफ़ आई अल्लाह को पुकारे, जब राहत आई फिर शिर्क करना शुरू कर दे, और ख़ुद भी शिर्क कर रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी आप गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ आयत नंबर 19 में देखिए, भला जिस पर अजाब का हुक्म हो चुका है तो क्या आप उसको छुड़ा सकते हैं जो दोजख में है। मतलब अब अजाब आ गया तो अजाब कोई भी नहीं टाल सकते, कोई भी नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला अगर अजाब भेज दिए तो दैट्स इट। और हमारा देखिए, जब हमारी मौत आ गई हमारा वक्त वहीं ख़त्म हो गया, तो क्या वो शख्स जो क़्यामत के दिन सख्त अजाब को अपने चेहरे पर लेगा और जालिमों से कहा जाएगा कि अब मजा चखो उसका जो तुम करते रहे, तो क्या और जो ऐसा ना हो बराबर हो सकता है। मतलब जो इंसान अजाब में है और जो लोग अजाब में नहीं है, बराबर हो सकते, नहीं हो सकते। अल्लाह ताला यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। फिर यहाँ पर आयत नंबर 29 और 30 में देखिए, अल्लाह एक मिसाल देते हैं, एक शख्स तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से कज खुद आके शरीक हो गए। मतलब एक मालिक है, उसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए जो उसकी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक, मतलब एक शख्स मतलब वो वन सेल्फ, उसके ऊपर या नीचे कोई और नहीं है, वो खुद मिल्कियत रखता है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? और फिर बोल रहे कि
आका और गुलाम एक हो सकते हैं, देखिए जो मास्टर है जो स्लेव है दोनों एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और दोनों का हाल यकसू हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मरना है और उनको भी मरना है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं हम सबको मरना है, और आयत नंबर 31 में फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के सामने पेश किए जाओगे। अब ये बहुत ही प्यारी आयत है जो एंड हो रहा है ना यहाँ पर पारे का, इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, हम सबको मरना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, हम सबको वापस जाना है एक मुद्दत तक हम यहाँ हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका।